बिलासपुर जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग द्वारा नालागढ़ में नर्सिंग प्रशिक्षु के साथ प्रधानाचार्य द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही डीसी बिलासपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि इस मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला महामंत्री ने बताया कि नालागढ़ में हुई घटना के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित और प्रताड़ित बच्चों को ही प्रताड़ित करना अत्यंत दुखदायी घटना है। सरकार ने जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है, वहीं नालागढ़ में हुई इस घटना से ये नारा खोखला साबित हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया है कि जमीन स्तर पर इस नारे का कोई वजूद नहीं है। गुरु शिष्य की परंपरा को विखंडित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर सही कदम नहीं उठाए गए तो वे आगामी रणनीति तैयार कर आंदोलन करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग बिलासपुर का महामंत्री महोदय, आज हम सभी जो नर्सिंग प्रशिक्षुओं के साथ नालागढ़ क्षेत्र में जो दुर्व्यवहार उनके प्राचार्य के द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा और तत्पुरांत पुलिस और प्रशासन ने उनके सुनवाई न करते हुए केवल मात्र उन्हीं बच्चों को, जो बच्चे पीड़ित और प्रताड़ित थे, उन्हीं को प्रताड़ित करने की जो मानसिकता दिखाई है, ये अत्यंत दुखनीय घटना है। बच्चे जहां सरकार ने एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उसको नालागढ़ के अंदर घटित इस घटना से ये साबित हो गया है कि ये नारा खोखला नारा साबित होकर के जमीनी स्तर पर इसका कोई भी वजूद नहीं है। अतः शिक्षण संस्थानों के अंदर इस तरह की मानसिकता के अध्यापक और प्राध्यापक जब बच्चों को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो बच्चे किस रूप में निकल करके इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आज गुरु और शिक्षा की परंपरा को विखंडित करने वाले जो भी जिस भी मानसिकता के जो टीचर हैं उनको उचित कार्रवाई उनके ऊपर करते हुए उन आरोपियों को सजा देने का काम प्रशासन और पुलिस ने नहीं किया है, उनको संरक्षण दिया है। इससे ये साबित होता है कि पुलिस और प्रशासन आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में खड़े होकर के जो दोषी है उनको दंड ना दे करके और उन बच्चों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ एक और अन्याय चोरी और सीना चोरी प्रशासन और पुलिस के द्वारा इस केस में देखी गई है। अतः मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है, आज हम सभी इकट्ठे होकर के भिन्न भिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि माननीय डीएसपी सीताराम कौंडल जी के नेतृत्व में डीसी बिलासपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से ये दिखाएंगे कि भारतवर्ष का जो हिमाचल प्रदेश है शांति प्रिय प्रदेश है, परंतु इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ की सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया समय रहते तो हम स्वयं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे निकल करके आएंगे। मातृशक्ति इसके लिए स्वयं सजग और जागरूक है। इसी के साथ आज हम सभी ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि बिलासपुर जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं जनजातीय अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा नालागढ़ में नर्सिंग प्रशिक्षुओं के साथ प्रधानाचार्य द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही डीसी बिलासपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।